ट्रैवल व्लॉगिंग मतलब एक एंजॉयमेंट का जरिया हो चुका है अब, है ना। ट्रैवल व्लॉगिंग भी अच्छा लगता है। ये क्या है, उसमें से हम घूम सकते हैं, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाकी जो कुछ भी एंजॉयमेंट वाली चीजें है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस भी है। वो भी जरूर यहाँ पे मेंशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग मतलब सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, है लेकिन कुछ चैलेंजेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, फिर तो फिर एज अ पैकेज वो लेना पड़ता है हमको। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर ट्रैवल व्लॉगिंग के चैलेंजेस क्या है और ट्रैवल व्लॉगिंग में भी चैलेंजेस आ सकते हैं क्या, है ना। बिल्कुल आ सकते हैं, हमने तो फेस किया ही है। खाने में हम ट्रैवल टाइप्स के आइटम्स खाते हैं, देखो ना, तीखा हो, मीठा हो, पहले दर्शन लेते हैं और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे ये है वाल्मीकि टेम्पल, पूना के पास ही है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है हमारे घर से। अभी ये जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना ट्रैवल व्लॉगिंग का जो पहला चैलेंज है वो तो है एक्सपेंसिव। यहाँ अगर पास में कुछ जगह हो, अभी ये तो देखो कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन जब बड़ी ट्रिप्स हो, जैसे कि राजस्थान में हम गए थे, गुजरात में गए थे, तो ऐसी दूर की ट्रिप्स जो हो उनमें एक्सपेंसेस का आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कि पहले एक तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना कैलकुलेशन सही चाहिए कि इतने हमारा जा सकता है इतना बजट, मतलब बजट ऐसा कुछ एक्स अमाउंट निकाला और एक्स इंटू टू हो गया बजट, तो इतना भी नहीं जब पकड़ मतलब एक्सपेंसेस तो पहला है कि ट्रैवल ब्लॉगिंग मतलब आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है, और दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंट अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग अपलोड करने हैं कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं। दूसरा मेन चीज वो है कि ट्रैफिक, अगर कहीं पर भी जाए तो ट्रैफिक आजकल एक तो बहुत बढ़ चुका है और रोड्स की क्वालिटी डाउन होने की वजह से ट्रैफिक बहुत हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि अगर आप एक राउंड पुणे सिटी का भी लगाओ तो भी दिमाग गर्म हो जाता है, घूम जाता है, क्योंकि जो 3 लेन के रोड्स थे पहले वो आप गड्ढों वाले बन चुके हैं और 2 लेन 1 लेन में उनका कन्वर्जन हो चुका है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें रेनी सीजन अभी कोकन में जब हम गए थे मॉनसून में, तो वहाँ पे तो पानी की वजह से रोड ऐसा पूरा फ्लैट लग रहा है, लेकिन था नहीं कैसे। पार्किंग का इश्यू बहुत आ गया, क्योंकि वहाँ पे स्पॉट्स तो मतलब आज तक ऐसा नहीं है कि हम गए और स्पॉट बंद है, क्योंकि हम निकलते ही इस हिसाब से है, लेकिन पार्किंग का इश्यू जरूर आया है कि हर जगह पार्किंग मिलती है ऐसा नहीं है, मतलब कई जगह पे नहीं मिलती है ऐसा, खास करके सिटीज में। बाहर तो जब हम गुजरात वगैरह गए थे तो वो सिटी है लेकिन इतनी क्राउडेड नहीं है जितना अपने ये है पुणे हो गया मुंबई हो गया, वहाँ पे हम बाहर के जो साइड के जो मंदिर हम गए थे तो पार्किंग का तो इशू आया ही नहीं। अगर हम जहाँ भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो रहने की जो सुविधा है वो पहले से यहाँ से बुकिंग करना चाहिए या देखना चाहिए, अवेलेबल है या
अभी हमने क्या किया था, गुजरात और राजस्थान गए थे तभी इधर यहाँ से बुकिंग किया हिमाचल का, तो क्या हो गया कि वहाँ जाके बर्फ जैसा फीलिंग आता है, दिक्कत नहीं आती, दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, लेकिन घूमने में वक्त लगता है उसमें आओ दिक्कत आ जाए। अभी क्या है, कुछ डेस्टिनेशन ऐसे होते हैं कि अनसर्टेन होते हैं कि कहाँ पे हॉल्ट करना पड़े, इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑनलाइन या फिर घर से बुकिंग नहीं कर सकते, वो दिक्कत है। अभी जब हम राजस्थान के लिए जा रहे थे तो 3000 किलोमीटर था वो, मतलब आना और जाना दोनों मिलते, लेकिन वहाँ पे कैसा था कि हम दिन में कितने किलोमीटर्स करेंगे वो अनसर्टेन था, मतलब किस गांव में हॉल्ट करना है वो बिल्कुल, मतलब जहाँ लगे वहाँ हॉल्ट करें ऐसा था। तो वहाँ पे तो हम इतने ट्रैवल में, तो अब हाँ यहाँ पे 25 किलोमीटर के बाद रुकना है तो वहाँ पे हम होटल्स में घूमते बैठ सकते हैं ऑनलाइन। हाँ तो ऐसे फिक्स हो जाते हैं पॉइंट्स कि अभी अगली बार हम जब कभी भी पंजाब या फिर इस साइड जाएंगे तो हमारे अभी अब फिक्स हो जाते हैं। हमने जब ब्लॉग अपलोड किए थे तो कई लोग बोले थे कि 3000 किलोमीटर कार से, मतलब कई लोगों को ये भी इश्यू होता है, लेकिन आपके पास अगर चलाने वाले 3 लोग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयरिंग करना चाहिए, एक तरह से हो जाता है तो अगर पर्सन है वो ड्राइविंग करता है, हाँ वो बिल्कुल, मतलब ड्राइविंग करते हुए तो मतलब हम ड्राइविंग का फील ले सकते हैं, लेकिन जो बाकी 3 लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। हाँ अगला चैलेंज मेनली चाय लवर्स के लिए है। खाना तो देखो अभी हम होटल चूज करके मेन्यू चूज करके जो कुछ भी अपने डाइट के अनुसार खाना ले सकते हैं, हमको जब चाहिए तब ले सकते हैं, वो चीज़ है। लेकिन चाय का क्या है, हमारी जो टेस्ट है जो हमको आदत हो चुकी है वो हम नहीं लेते। देखो काम चलाओ चाय तो कहीं भी मिल जाती, लेकिन अपने जो हाँ तो वो चाय अभी वो अगर देखे हम तो महाराष्ट्र में उसका ज्यादा ट्रेंड है, उसके बाहर उतना ट्रेंड नहीं है, मतलब गोवा नहीं गए थे, गोवा में अभी वो महाराष्ट्र में तो कोकण तक वो है सारी जगह, लेकिन बाहर नहीं है अभी, गुजरात बाउंड्री के पार भी नहीं, गुजरात के पार भी वो नहीं है और नीचे गोवा की साइड भी वो नहीं, लेकिन अभी हम जाएंगे तब मिलेगा, मिलेगा क्योंकि वो एक भैया थे, वो उन्होंने उनका जस्ट ओपनिंग ही हुआ था और हम गए। ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए जाना होता है, कभी एक बैग लगे बैग चाहिए साथ में, तो कहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाए तो पानी और कुछ खाने की चीज़ें उस साथ में, वो मेरा मेरा पहला रहता है। कई ब्लॉग ऐसे है जिसमे डैड ही सैक पहन के दिखते हैं, क्या होता है समझो ट्रैकिंग के लिए आके गए तो कुछ छोटा सा चीज चाहिए पानी के लिए कुछ है तो उसके लिए कार तक आना पीछे, वो कौन जाएगा किसके चाहिए कौन जाएगा नीचे जाते हैं, उसके लिए साथ रखना चाहिए। और कई बार कैसा है कि हम जा रहे हैं एक जगह पे और वहाँ से ट्रेकिंग है, मतलब इनडायरेक्ट हम ऐसा जाने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या होता है अपने कपड़ों के साथ साथ हमको वो चीज़ें भी कैरी करनी पड़ती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ट्रैवल में जो मज़ा है वो किसी में नहीं,
ट्रैवल मतलब सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही ट्रैवल नहीं है, ट्रैवल से एक्चुअली जो एक्सपीरियंसेस में हमारे जो बढ़त होती है वो ऐसे घर बैठने से तो नहीं होती। हमारा गुरु है। हाँ मतलब बहुत सिर्फ हमें उस जगह का पता नहीं चलता, वहाँ तक जाने तक आने तक ऐसे बहुत सी चीज़ें अलग से पता चलती है जो हम वहाँ नहीं जाते तो शायद पता नहीं चलता। अभी बाकी भी जॉनर्स हैं लेकिन ट्रैवल इसलिए चुना कि आपको भी पसंद है और ट्रैवल से जो रिचनेस आती है हमारे एक्सपीरियंसेस को वो मुझे लगता है वो रिप्लेस नहीं की जा सकती।